हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12। तो उससे पहले ऑलरेडी 10 वीडियोस बनाए हुए हैं पी ब्लॉक के, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियोस देखे हुए हैं या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 18 के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना देर किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो गाइस, आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 18 की। तो ग्रुप 18 में क्या है कि पढ़ने का ज़्यादा है, रिएक्शंस बहुत कम है, तो कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 18 से। आप सब लोगों को ऑलरेडी मालूम है ग्रुप 18 में क्या है। ग्रुप 18 में है नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है, नोबल इन जनरल लिटरली मतलब होता है महान। ऐसे हिंदी में बोलेंगे नोबल का मतलब महान, या फिर उर्दू में बोलेंगे तो अजीम, अजीम उस शान शहनशाह वाला। तो ये इतनी महान या फिर अजीम गैसेस हैं, इनको महान इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्शन करने में विश्वास नहीं रखती है। ये जो है खुद से ही अपने आप से ही बहुत सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड इसलिए हैं क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर हम बोलें कि जो वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनको लिख देते हैं कौन कौन सी गैसेस होती है। ट्रिक्स आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी पता है और फिर स्टार्ट करेंगे आगे से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो लिखते हैं। हमारे पास में जो सबसे पहली गैस है वो है हीलियम। ठीक है, हीलियम सिंबल आपको पता ही है, एच ई। उसके बाद में कौन सा आता है, हीलियम पे आता है नियॉन, सिंबल आपको पता है एन ई। उसके बाद आती है आर्गन। ठीक है, सिंबल आपको पता ही है ए आर। उसके बाद कौन सा आता है, क्रिप्टन, क्रिप्टन ये भी पता है आपको के आर। फिर आती है जीनॉन, इसका भी सिंबल आपको पता है एक्सी। उसके बाद आता है रेडॉन, इसका भी सिंबल आपको पता है आर एन। और लास्ट में क्या है, अभी एक और गैस ऐड हो गई है। तो आप जितनी भी पुरानी बुक्स है, जैसे कि मेरी पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें क्या होता है कि रेडॉन पे ही खत्म कर दिया उन्होंने, अभी एक और गैस इसमें नई ऐड हुई है, इसका नाम है ऑर्गेनिसॉन। ये ऑर्गेनिसॉन, इसको जो सिंबल दे दिया वो दे दिया ओ जी। ठीक है, तो यार ये देखो ये है सारी की सारी नोबल गैसेस। तो सबका क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, सबका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अभी जैसे क्या है कि पुरानी सारी बुक्स आप देखोगे तो रेडॉन तक ही उन्होंने खत्म कर दिया था, तो रेडॉन के बाद में ये नया एडिशन है, तो नई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा ये। अगर कोई पुरानी एनसीईआरटी यूज़ कर रहा है तो वो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल सा क्या है, देखो हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, उसके नियॉन आया तो हमने क्या किया, नेक्स्ट शेल में जब हम नेक्स्ट मतलब बोलेंगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में जब आते हैं तो क्या करते हैं, इस साथ में 8 ऐड करते हैं, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। फिर उससे अगले में जाते हैं फिर 8 ऐड करते हैं तो 18 हो जाता है। उसके बाद में उसके अगले में जब आते हैं तो फिर कितना ऐड करते हैं, फिर 18 ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक, 36 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 18 और ऐड करेंगे तो ये देखो 18 ऐड करेंगे तो अपना ये आ जाएगा 54। और उसके बाद में और हम जब आ जाते हैं मतलब 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ से सिक्स पीरियड में जाते हैं तो हम लोग कितना ऐड करते हैं, 32। 32 ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 86। और उसके बाद में फिर से एक बार 32 में और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 2 हो जाएगा 8 और ये 118। तो ये है रहे इनके एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। ठीक, अब इनका जल्दी से करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। लिख देते हैं हीलियम तो पता ही है आपको, 1s2, बात खत्म हो गई। ठीक है, सिंबल इसमें सिर्फ एस है, तो कहने को ये पी ब्लॉक है, बट पी ब्लॉक में भी इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट का इसमें जा रहा है, एस में जा रहा है, तो एक तरह से काइंड ऑफ ये एक्सेप्शन है। बट क्या है कि इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो क्या है, जो भी अपना वैलेंस शेल है वो सबकी फील्ड है, तो ये भी इकलौता ऐसा है हीलियम जिसमें एस में वैलेंस शेल फील्ड है, तो इसलिए हमने इसको पी ब्लॉक के साथ में रख दिया है। बट वैसे अगर आप देखोगे सोचोगे तो पी तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिर्फ इसकी जो है फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसको यहाँ पे प्लेस दे दी गई है। चलो भाई, नियॉन आ गया तो नियॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, तो 2 तो यहाँ से निकल आएगा, बाकी का कितना बचे 8, तो आपको पता ही है 2s2 2p6। ठीक, उसके बाद में कौन से है, आर्गन। आर्गन में हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जगह नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर लेंगे, तो नियॉन लिख दिया यहाँ पे, मतलब 10 तो ये खत्म हो गए। फिर उसके बाद में बाकी के देखो 3s2 3p6, तो 10 और 18 यहाँ पे खत्म हो गए। क्रिप्टन की करते हैं तो उसके लिए आर्गन यहाँ लिख लेते हैं, तो आर्गन ने कितना कंप्लीट कर दिया, 18 कंप्लीट कर दिया, अब 18 और बचे। तो हमने क्या देखा, जब भी हम थर्ड से या फोर्थ शेल में जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में थे, फर्स्ट से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड में आए, थर्ड से फोर्थ में जाते हैं
तो अपने कौन सा आ जाता है 3D काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब 3D में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3D10 4s2 4p6, ठीक। तो ये भी 18 हो गए, देखो 18 ये होगा, तो ये भी 36 बराबर हो गए। ज़ेनॉन का कर देते हैं, तो उसके लिए क्रिप्टन को यूज़ कर लेते हैं, KR, तो क्रिप्टन से 36 चला गया। बाकी के हमें क्या करना है, यहाँ पे अब फिर से 18 और ऐड करना है, तो 18 और ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से अब 4th से 5th में आएंगे, तो क्या हो जाएगा 4D को पहले फिल करेंगे, तो फिर से 4D10, तो 10 तो ये हो गया, 36 और 10 कितना हुआ अपना 46, और उसके बाद में देखो 46 और 2 कितना हो गया 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, तो अपना ये भी खत्म हो गया, राइट। अब रेडॉन का आ जाते हैं, रेडॉन के लिए फिर से ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन उठा लिया XC। अब आपको क्या याद रखना है, जब आप 5th से 6th में जाओगे तो वहाँ पे F भी आना काम करना शुरू कर देता है, तो F किसका मिलेगा आपका, जो F आपका मिलना शुरू होगा वो मिलेगा 4 से। तो यहाँ पर आप पहले फिल करोगे 4F14, फिर आप फिल करोगे 5D10, फिर आप फिल करोगे 6S2 6P6, ठीक है। आप जोड़ लो, देखो 10 ये हुए, 10 और 14 24 और 2 कितना हुआ 26 और 6 मतलब 32, तो ठीक है 32 हमें ऐड करना ही था, वो हमने यहाँ पे कर दिया। वैसे ऑर्गेनोजोन की बात करेंगे, तो यहाँ पे रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन RN लिख लिया, तो ये RN यहाँ से आ गया, बाकी का आगे से वही कर देंगे। तो अब हमारा 4F आया था, तो यहाँ पे 5F फिल हो जाएगा, तो 5F14 6D10 7S2 7P6। तो इन जनरल आपने यहाँ पे क्या देखा, सबकी कॉन्फ़िगरेशन ये रही। तो जो ओवरऑल अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा, तो वो ओवरऑल की कॉन्फ़िगरेशन आती है आपकी NS2 NP6, ठीक। और आपने देख लिया ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, कंप्लीट है, मतलब जितनी भी इनकी वैलेंस शेल में जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो सबकी सब फेल है, और यही रीजन है ये कैसे कहलाती है नोबल गैस। तो बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है आपके, Why elements of group 18 are called noble gases? तो आप उनको यही बताओगे, because the valence shell orbital of these elements are completely filled. So that is why they do not react or they only react with certain elements under certain conditions. ऐसे करके आप देख सकते हो, तो इसलिए ये noble gases है। Reaction किससे करेंगे, बहुत ही कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिएक्शन करेंगे, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर में। तो ये क्वेश्चन है, उस सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो वहाँ पे आप देख लेना। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट की। अकरेंस की अगर हम बात करें, तो अकरेंस देखो बुक से पढ़ सकते हो आप इसको, नहीं तो फिर मुझको मिटा के लिखना पड़ेगा। क्या लिख देते हैं, चलो ऐसी समझ लो, सारी की सारी ये गैसेस कौन कौन से अगर हम बात करें, ये अपना रेडॉन ऑर्गेनेजोन, तो रेडॉन और ऑर्गेनेजोन को छोड़ के बाकी सब आपको ये एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाती है। अच्छा, इन दोनों रेडॉन और ऑर्गेनेजोन को स्टार और लगा देते हैं, ये दोनों के दोनों कैसे रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव है तो वे ऑलरेडी डिके होते रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे अपने आप ही, तो ये वैसे भी अपना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये ऑलरेडी रेयर है, उसके बाद में रेडियो एक्टिव भी हैं, तो और इनके साथ में प्रॉब्लम है। तो रेडॉन और ऑर्गेनेजोन को छोड़ दिया अगर हमने, तो बाकी की सारी के सारे हमें एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो मिलता है वो हमें मिलता है आर्गन। तो जो अपना आर्गन है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, मतलब लगभग बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1% इसका जो है अमाउंट है। जैसे अपना क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर में, देखो कुछ तो बोलते हैं ना, अराउंड 78% नाइट्रोजन है, बाकी का 20% ऑक्सीजन है, तो 98 तो ही हो गया, बाकी के जो 2% बचे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सारी गैसेस हैं, तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 1% मतलब 0.9 समथिंग कुछ है जो आर्गन का है। तो आर्गन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है और सबके कंपैरिजन में। अच्छा, अगर हम बात करें देखो इसका हीलियम की, तो हीलियम हमें जो कॉमर्शियल सोर्स है हीलियम का, वो है अपना नेचुरल गैस। अब आप सोचिए नेचुरल गैस कौन सा, जो कि व्हीकल्स में पड़ता है, जैसे आप CNG के नाम से, कंप्रेस नेचुरल गैस के नाम से जानते हो। अब होता क्या है, देखो नेचुरल गैस में, अब यहाँ पे तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं नेचुरल गैस में और LPG जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। तो क्या है कि दोनों ही हाइड्रोकार्बन में, LPG भी हाइड्रोकार्बन है, नेचुरल गैस भी हाइड्रोकार्बन है। नेचुरल गैस में जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो है मीथेन, और जो अपना LPG है जो घर में यूज़ होता है उसमें जो मेन कॉम्पोनेंट है वो है प्रोपेन। तो सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन्स का फ़र्क है, बाकी इतना कुछ फ़र्क नहीं है। फिर हाइड्रोकार्बन के फ़र्क होने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोपेन है उसमें हीटिंग कैपेसिटी, मतलब उसको बोल सकते हैं कि वो हीटिंग अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसलिए घर में हम लोग LPG यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हीटिंग ज़्यादा चाहिए, खाना पका रहे हैं तो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना अच्छे से खाना बनेगा हमारा। और जो CNG है नेचुरल गैस, उसमें क्या है कि हीटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए व्हीकल्स में हम प्रेफर करते हैं कि CNG को यूज़ करें, LPG को यूज़ ना करें।
क्योंकि व्हीकल में फिर हीटिंग हम नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा हीटिंग ना हो, बाकी जो दोनों ही कंबस्टेबल है, मतलब दोनों में ही एकदम जो है जलने को तैयार हैं दोनों ही गैसेस, बट इनका ये अलग अलग वे था, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। तो हीलियम का कॉमर्शियल सोर्स क्या है, वो है अपना नेचुरल गैस। उसके अलावा हीलियम बहुत सारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स के ओर से भी मिल जाता है, जैसे कि पिच ब्लेंड हो गया, एक दो और नाम दे रखे हैं बुक में आपके। तो ये क्या पिच ब्लेंड, जैसे कि यूरेनियम का ओर है, यूरेनियम आप होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ऐसे एक दो और रेडियो एक्टिव थोरियम का भी कोई ओर है जहाँ पे ये जो आपको एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। पर मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा आ गया तो हीलियम के नेचुरल सोर्स से, कमर्शियल सोर्स से आ सकता है, जो कि मैंने आपको बताया नेचुरल गैस। बाकी ये आ सकता है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है, तो वो मैंने आपको बताया आर्गन है। उसके अलावा ये दोनों तो रेडियो एक्टिव हैं तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑकरेंस की ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो एक बार बुक से सिर्फ रीड करोगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो एक जगह नोट करके रख लेना तो अपना काम चल जाएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले एक बार मैं आपको ये बताता हूँ ये दोनों बनते कैसे, क्योंकि ये मैंने अब क्या बताया ये दोनों के दोनों हैं रेडियो एक्टिव, तो ये बन कैसे रहे वो मैं आपको बताता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी देखो इसको सबको इरेज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपल सी चीज़ है, आप लोग जो है एक बार खुद से लिख कर ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इन सबको करते हैं जल्दी से इरेज। तो देखो जो अपना रेडॉन है वो बनता है कैसे, रेडॉन बनता है एक्चुअली रेडियम के डिके से। अब जैसे आप बताओ आर ए, आर ए क्या है रेडियो, अपना रेडियम, ठीक है। तो जो रेडियम है आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, घड़ी वड़ी में रहता है, इसमें भी है, तो वो चमकता रहता है, तो चमक के हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पे रेडिएशन को एमिट कर रहा है। यहाँ पे जो रेडियम क्या करता है वो कौन सा मतलब अपना डिके शो करता है, वो शो करता है अल्फा पार्टिकल वाला, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है सिंपली हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब 2He4, ये है हमारा एक अल्फा पार्टिकल। तो क्या हुआ जब हीलियम रेडियम का डिके हुआ तो वहां पे बनेगा आपका रेडॉन प्लस हीलियम, मतलब कि अल्फा पार्टिकल, ठीक। अच्छा आप देखो इसका हमें बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है, हमें क्या पता है कि जो रेडॉन है अभी अभी हमने किया इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता है 86 है, ठीक। तो देखो 86 है, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया 86 ही है, और इसमें एक हीलियम का न्यूक्लियस मतलब कि एक अल्फा पार्टिकल और निकला हुआ है जिसका कि मास एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसका मतलब रेडियम का कितना हो गया 88, ठीक है। और जो रेडियम का मास नंबर होता है तो उसका मास नंबर अगर आपको याद ना रहे तो आप रेडॉन का याद रख लो 222, तो अगर ये 222 है तो 4 यहाँ से आ गया तो कितना देगा 226। तो ये हो गया अपना रेडॉन कैसे बनना है। वैसे ऑर्गेनोसोन में बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्चुअली दो एलिमेंट्स कोलाइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कौन कौन से, एक है कैलिफोर्नियम, तो आई थिंक उसको शायद CF से ही लिखते हैं, कैलिफोर्नियम प्लस कैल्शियम। कैलिफोर्नियम और कैल्शियम ने जब कोलाइड किया तो बना हमारा OG, मतलब ऑर्गेनिसोन, ऑर्गेनिसोन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, तो 3N। अब इसको भी देखो कर देते हैं, तो ऑर्गेनिसोन का भी जैसे हमने किया था, क्या था इसका नंबर 118, और कैल्शियम का भी हमें एटॉमिक नंबर पता है वो है 20, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कैल्शियम 20 है और ये 118 है तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, यहाँ पे बचना चाहिए 98, तो इसका मतलब कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर हो गया 98, BCA हुआ, दोनों ने मिलकर बना लिया 118। अब इसकी बात करें मास की, तो देखो ये कैल्शियम होता है 48, ये हो गया। उसके अलावा इसका कैलिफोर्नियम का जो मास है तो वो याद नहीं आ रहा, अभी ये लिख लेते हैं ऑर्गेनिसोन का जो कि है 294। तो देखो ये 294 है प्लस 3 यहाँ से आ गया, मतलब टोटल यहाँ पे कितना मास हुआ 297। तो 297 को कितना करना है, 48 माइनस कर दो 297 में से, 297 माइनस 48, तो देखो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 249। तो ये है इसका, ये तो कैलिफोर्नियम और कैल्शियम ने जब कोलाइड किया तो बना हमारा ऑर्गेनिसोन, और जब रेडियम ने अल्फा पार्टिकल को डिके किया तो बन गया रेडॉन। तो ये दोनों सिर्फ रिएक्शन थी, बुक में दे रखी थी तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो ये तो यहाँ से बात हुई, अब हम आ जाते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी जाने से पहले बात कर लेते हैं बहुत सिंपल सी चीज़ों की, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर देखो शॉर्ट में मैं लिखूँ IE, तो आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, कि जब भी कभी हम एक सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो अब देखो इनमें क्या है कि ऑलरेडी सब कुछ सारे सेल्स फिल हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में परेशानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बहुत स्टेबल स्टेट में है, तो उसका मतलब इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, वेरी हाई। एंड अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा तो वो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे कि हमेशा होती है, ठीक है, हाई एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस
डाउन द ग्रुप। तो ये देखो सब में ही कॉमन था, वही ट्रेंड चलेगा, कुछ यहाँ पे नया नहीं आएगा। ऐसी कौन सा देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, IGE लिख दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें भी क्या होगा कि देखो अब ये ऑलरेडी सब कुछ फेल है इनके पास में, इन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो अगर आप इनको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको फोर्सफुली देना पड़ेगा, ये हैप्पीली नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन को, विच मीन्स कि आपकी आयनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी, बहुत ही लार्ज पॉजिटिव होगी। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो साइज बड़ा होता जाएगा, तो थोड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन टेकअप कर लेंगे। तो बिल्कुल यही होगा कि लार्ज एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इट विल डिक्रीज, तो बिल्कुल दोनों सेम ही हो जाएंगे। ऐसी अगर हम बात करें रेडियाई की, तो रेडियस भी आपको पता है क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इस सब में कितनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं देखो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सारा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी सब सेम ही ट्रेंड शो कर रहे हैं, और ये आप लोगों को सारे पुराने वीडियोस में बताए ही अच्छे से, तो इसका इतना कुछ जो है ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई इतने एक्सेप्शंस भी नहीं है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग वही बात करते हैं कि भाई कैसा टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, ये सब। तो ये कैसी है देखो, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है ये कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं है, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं है, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं है इसमें, मोनो एटॉमिक गैसेस। तो सारी की सारी कैसी है, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक होने का रीज़न क्या है कि इनके बीच का कोई ऑलमोस्ट इंटरेक्शन है ही नहीं, ये इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है बहुत ही वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, तो वो भी लिखवा देंगे। ये समझ लो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, मोनो एटॉमिक गैसेस। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी का। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि वाटर में बहुत ही कम घुलने वाले हैं, तो वाटर में ये ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होंगी। चलो ठीक है, मान लिया ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होंगी। उसके बाद आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इनका क्या है, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखो बहुत ज़्यादा कम होने का रीज़न क्या है कि इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है, क्योंकि सारी गैसेस मोनोएटॉमिक है, एक ही एटम से कुछ है, इनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, तो वो एक दूसरे के ज़्यादा पास आने की उनको ज़रूरत नहीं है। और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में ही रहना वो प्रेफर करेंगे, तो विच मीन्स कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत ही थोड़े से टेम्परेचर पर वो मेल्ट और बॉइल सब हो जाएंगे। ठीक, तो इसके नीचे क्या है कि इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन इज़ वेरी लो, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन इज वेरी लेस, या फिर जो है भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी लेस ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, मतलब इनके बीच की जो फोर्सेस है वो बहुत ही वीक डिस्पर्शन फोर्स है। डिस्पर्शन फोर्स क्या होते हैं, तो ये वंडरवाल फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। वंडरवाल फोर्सेस का खुद ही मतलब होता है कि बहुत ही वीक फोर्स, तो इनको लंडन फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो सिर्फ नाम में कुछ नहीं रखा है, सीधी से कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स है। अब ये कैसा है, जैसे मान लो एक हीलियम इधर है, दूसरा हीलियम इधर है, तो एक ने क्या किया कि उसका जो न्यूक्लियस है उसने थोड़ा सा उस वाले हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, वाले इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लिया, बट ये इतना नहीं है कि ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में पास आए कभी भी इसकी वजह से। तो बस बहुत ही थोड़ा सा है जिसको हम लोग वीक डिस्पर्शन फोर्सेस बोल देते हैं। इनका मैग्नीट्यूड बहुत ही नेगेटिव में होता है, तो कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये अपने एक पॉइंट और पढ़िया, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर हम हीलियम का जो देखें, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो हीलियम का, और हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 4.2 केल्विन। मतलब ये सबसे कम, अगर कोई पूछे किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो वो है हीलियम का। अभी देखो कितनी स्ट्रेंज बात है, 4.2 केल्विन के नहीं, मतलब इमेजिन कि हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं 273 केल्विन, ये है 4.2 केल्विन, विच मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 270 डिग्री सेल्सियस।
मतलब कितना ये अप्रोक्सीमेटली -270 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इतना टेम्परेचर अगर रहेगा कभी माइनस में तो भाई साहब ये बॉयल हो जाएंगे। तो विच मीन्स मतलब आप इमेजिन करके देख सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो उसका एक यूज़ भी आ जाता है कि जो हीलियम है वो हम उसको बहुत ही अच्छा ऐसे क्रायोजेनिक एजेंट की जैसे काम करते हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें अगर हमें बहुत ही लिक्विड मतलब ऐसे बहुत ही कहीं ठंडा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो मोस्टली लोग लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपने लिक्विड हीलियम यूज़ कर लिया, अब देखो लिक्विड से ही तो गैस में बनेगा, तो सोचो लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर कितना होगा, ऑब्वियसली 270 के आसपास ही होगा, क्योंकि अगर 270 से थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो बॉयल हो जाएगी, मतलब गैस की फॉर्म में आ जाएगी। तो लिक्विड हीलियम एक बहुत ही अच्छा क्रायोजेनिक एजेंट है। और इसका देखो यूज़ मैं यहीं बता देता हूँ, आप लास्ट में पढ़ोगे तो ये यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए। अब आप समझते हो कि न्यूक्लियर रिएक्शन कितना मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, तो उस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए, वरना तो सब में मतलब पूरा आग लगा देगा एक न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको ठंडा रखने के लिए हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं, मतलब लिक्विड हीलियम का। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली, तो आप लिक्विड हीलियम को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो हमारे बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स वगैरह यूज़ हो रही है, जैसे कि मैं बात करूँ NMR की, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या हम बात करें MRI की, जो आपको पता है हॉस्पिटल्स में होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI में क्या होता है कि बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स का यूज़ होता है, मतलब MRI का प्रिंसिपल और वो सब क्या है वो कभी किसी और वीडियो में बताएंगे, अगर आपको सुनना पसंद करते हो आप लोग उसके पीछे की साइंस जानना चाहते हो तो। तो MRI में ये समझ लो एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट रहती है जो कि हमारे बॉडी के प्रोटॉन्स को जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, उनका स्पिन चेंज कर देती है। तो उतनी पावरफुल मैग्नेट को ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ही हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, हाई करंट की ज़रूरत मान लो, और उसमें क्या होता है इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस सबको कूल रखने के लिए हम लोग लिक्विड हीलियम का यूज़ करते हैं। तो ये हीलियम बहुत ही अच्छा है सारे कामों के लिए। तो हीलियम का यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। एक हीलियम का यूज़ ये है कि एयर से लाइटर होती है, और जो है हीलियम को आप जलाने वाला मतलब इन्फ्लेमेबल नहीं है, तो जितने भी बलून्स भेजे जाते हैं ऊपर आसमान में मेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ मतलब कि मौसम मौसम वाली जानकारी इकट्ठा करने के लिए, वो भी हीलियम से भर के भेज देते हैं। हम लोग भी बचपन में जो है ना ऐसे बलून जोड़ाते थे वो हीलियम वाले ही होते थे। एनीवेज गाइस, तो देखो यहाँ पे यार बहुत बात हो गई, ये सारी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ठीक है सिंपल सी है सारी, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे हम एक्चुअली बात करेंगे ये एक दो कंपाउंड्स की, और फाइनली ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो हमारी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो इसको हटाते हैं सबको। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो एक बात और लिखी हुई थी, और लिखा था कि हीलियम के पास एक बहुत ही अनयूजुअल प्रॉपर्टी है कि वो लेबोरेटरी में जैसे मान लो कोई प्लास्टिक यूज़ हो रही है, कोई ग्लास यूज़ हो रहा है, उससे भी डिफ्यूज़ कर जाता है। तो ये मतलब और भी सरप्राइजिंग है कि किसी भी मतलब ये गैसेस क्या हीलियम, एटलीस्ट बाकी सारी की बात नहीं कर रहा हूँ, हीलियम सोचो कि अगर कोई ग्लास की एक शीट है, एक ग्लास की शीट है, उससे हीलियम डिफ्यूज़ करके बाहर निकल सकती है। तो मतलब एक आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इनर्ट है, एक तो नंबर वन ये किसी से रिएक्शन इसने की नहीं, क्योंकि अगर रिएक्शन करती तो कुछ ना कुछ वहीं बैठक जाती, और दूसरा उसका साइज़ भी कितना स्मॉल हुआ कि उसने थोड़ी बहुत अपनी जगह ढूंढ के निकल के। बट इस पर ज़्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे, जाने तो उन्होंने लिख दिया था तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। अब इसको हटाते हैं और जल्दी से आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। चलो गाइस, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पर लिख देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन फेल है, तो किसी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत ही कम से रिएक्शन करते हैं, ये सब हमें पहले से पता है। अभी रिएक्शन करते हैं किसी से, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि मैं तीसरे से बोल रहा हूँ कि यार ये जो है बिल्कुल मतलब नोवल है, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्या करते हैं तो बहुत ही कम से करते हैं, बहुत स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कवर कैसे हुई, मतलब किसी से आपको कोई एलिमेंट रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट में भी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो डिस्कवर कैसे हुआ? तो सबकी देखो अपनी अपनी बहुत स्पेशल स्टोरीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, बट आपकी बुक में नहीं है तो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हीलियम का आप याद रख सकते हो कि हीलियम का पता चला था ऐसे सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे हीलियम का पता चला था। और इससे ये भी पता चला था कि सन पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हीलियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है, दो हाइड्रोजन मिलके ऐसे हीलियम बना रहे होते हैं ऐसे वाला। तो ऐसी हर एक एलिमेंट की एक अपनी अलग कहानी है, अगर आप उसको जानना चाहते हो तो आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो, बुक में नहीं है और ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो हम यहाँ पे वीडियो में नहीं बता रहे हैं। बट
सबके पीछे एक, आप समझ सकते हो कि रिएक्शन नहीं करती है, फिर भी लोगों ने डिस्कवर कर लिया, तो कुछ तो मतलब इंटरेस्टिंग रहा होगा। एनीवेज, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, इनका नाम था नील बार्लेट, ठीक है, बार्लेट कुछ तो 1962 कहीं थे, ये ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, स्पेलिंग देख लेना इनकी। तो ये क्या कर रहे थे, एक रेड कलर का कंपाउंड बना रहे थे, कौन सा रेड कलर का कंपाउंड बना रहे थे, ये बना रहे थे देखो PTF6। अब PTF6 उन्होंने ये बोला कि PTF6 इतना खतरनाक है कि अगर O2 मॉलिक्यूल रहेगा उससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और ये कैसा है, रेड कलर का होता था, राइट। तो मतलब जिन्होंने दिखाया कि PTF6 इतना खतरनाक है कि देखो O2 ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और O2 मॉलिक्यूल मतलब दो ऑक्सीजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसके बावजूद ये PTF6 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था, तभी तो ये पॉजिटिव आया और ये ऐसे निगेटिव आया। उस टाइम पर उन्होंने फिर क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है मतलब O2 जो है, अगर आप उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, उतनी ही मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर O2 मॉलिक्यूल, उतनी ही एनर्जी का आयनाइजेशन मतलब उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी है ज़ीनॉन की। तो उन्होंने सोचा जब ज़ीनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है तो मे बी दिस कैन फॉर्म बॉन्ड, मतलब दिस कैन रिएक्ट विद ज़ीनॉन, और उन्होंने ऐसा करके देखा और वो सच में पता चला, क्या पता चला, उन्होंने ज़ीनॉन से इसकी रिएक्शन करवाई तो आपका गया Xc+PTF6-, तो ये फिर से भाई रेड कलर का बन गया। तो ये फर्स्ट कंपाउंड था, या फिर बोले तो फर्स्ट ऐसी रिएक्शन थी जहाँ पे ये दिखाया गया कि नोबल गैसेस भी रिएक्ट कर सकती हैं, तो उससे ज़्यादा ये नहीं है। तो उसके बाद में जो है और भी एलिमेंट्स के साथ में ऐसा हुआ, जैसे कि ज़ीनॉन के बाद में रेडॉन, तो RnF मतलब ये फ्लोरिन के साथ में रिएक्शन करके RnF2 बनाता है, उसके अलावा क्रिप्टन भी बनाता है कुछ तो KrF2, बट इनका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पता है बट किसी ने स्टडी नहीं किया इनको, तो स्टडी नहीं किया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें इन्हें नहीं पढ़ना पड़ रहा है, बट ये भी लोगों को पता है कि ज़ीनॉन के अलावा रेडॉन और क्रिप्टन भी जो है कैसे रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टडी नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बच गए। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज़ीनॉन की कंपाउंड फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में, इतना ही चैप्टर में बचा हुआ है, तो वो सारी रिएक्शन है, इसको मैं मिटाता हूँ जल्दी से करके बता देता हूँ, ठीक है। सो रिएक्शन में आप देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा उनको डिस्कस करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है हमारा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। तो क्या था, देखो ज़ीनॉन लिया आपने, उसकी रिएक्शन करवा दी फ्लोरीन से, आपका बन गया XeF2। फिर से आपने ज़ीनॉन लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी फ्लोरीन से, आपका बन गया XeF4। फिर से आपने ज़ीनॉन लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी फ्लोरीन से, तो क्या बन गया आपका XeF6। तो देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग उन्होंने ज़ीनॉन एक्सेस में लिया था, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि चमकता हुआ दिखाई दे आपको दूर से। यहाँ पे क्या था, XE लिख देता हूँ, XE इन एक्सेस, मतलब कि इस रिएक्शन में क्या है, ज़ीनॉन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में आप क्या किया, हमने यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा लिया, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन लिया था वो कितना लिया, 1:5 में लिया, ठीक है, तो 1 ज़ीनॉन है, 5 टाइम्स फ्लोरीन लिया। यहाँ पे हमने क्या लिया, फ्लोरीन लिया 1:20 के उसमें, तो अगर एक मॉलिक्यूल ज़ीनॉन का है तो मतलब एक एटम मान लो एक एटम ज़ीनॉन का है तो 20 मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन के, ऐसे करके लिया। बाकी आप देखो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे कितना देखो 2 लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 3 लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखो उन्होंने करके दिखाया कि भाई ये बन गए ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, ये सारे के सारे कैसे हैं, रूम टेम्परेचर पे ही ये सब्लिमेट हो जाते हैं, मतलब कि जो है सीधा सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो और ये सारे के सारे क्या है, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं, कलरलेस अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की जैसा बना लेते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगर आपको XeF6 बनाना है तो XeF4 की आप O2F2 से अगर रिएक्शन करवा दोगे तो भी क्या बना लेगा, XeF6+ oxygen। तो ये भी आप ऐसे करके कर सकते हो। तो ये रिएक्शन थी इसकी। अब यहाँ पर उन्होंने एक रिएक्शन दे दी हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ शो किया है XeF4 का, तो हम XeF4 का आपको हाइड्रोलिसिस बता देते हैं। तो जब भी कभी आपने क्या किया, XeF4 की वाटर से रिएक्शन करवाई, मतलब वाटर से XeF4 को ब्रेक करवाया, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा क्या है? यहाँ पे देखो ये चीज़ें आप याद रखो, ज़ीनॉन बनेगा, HF बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। अब रिएक्शन को कर लेते हैं बैलेंस, तो देखो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हमें 2 तो लगाना ही पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा, तो देखो अपना कितना हुआ फ्लोरीन, तो अभी कम कंप्लीट हुआ, फ्लोरीन 4 है तो एटलीस्ट अगर हम यहाँ पे 4 लगाएंगे, राइट, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए,
और ज़ीनॉन भी बैलेंस्ड होगा, तो ये रिएक्शन बनेगी। तो ये थे ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स के बारे में, इनकी रह गई शेप। तो देखो शेप बता देते हैं बहुत जल्दी से और फिर आएंगे ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स पर। तो मैं शेप चलो इधर बताता हूँ साइड में। शेप स्टार्ट करेंगे देखो एक्स सी एफ टू से। अब देखो फिर से भाई जो हम लोग पहले से जानते हैं शेप्स कैसे बनाते हैं, देखो हमने साइड में लिखा, सेंटर में लिखा ज़ीनॉन क्योंकि वही सेंटर है यहाँ पे। अब दो फ्लोरीन है मतलब ये क्या कर रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है। अब ज़ीनॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस शेल में, आठ। अब आठ में से क्या किया, दो ने तो बॉन्ड बना लिया, कितने बचे, छः। छः का मतलब है तीन लोन पेयर, तीन लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, मतलब फिर से देखो सोचो तीन लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल बॉन्ड कितने हुए, पाँच। पाँच का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरिमिडियल। अब ट्राइगोनल बाइपिरिमिडियल बना लो मतलब बीच में ट्राइंगल बना दो और फिर एक ऊपर और एक नीचे, तो होगा क्या, लोन पेयर सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन मान लो इधर आ गया ऊपर, एक फ्लोरीन इधर आ गया नीचे, और बाकी यहाँ पे सारे सारे क्या रहे, लोन पेयर। मतलब एक लोन पेयर ये रहा, देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ये रहा यहाँ पे और एक लोन पेयर ये रहा। तो जो अपना एक्स ई एफ टू है ये कैसा हो गया, शेप की अगर हम बात करें तो हो गया ये लीनियर, क्योंकि तो लोन पेयर है सीधा सीधा ये लीनियर बन गया। अब बात करें एक्स ई एफ फोर की, तो देखो फिर से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहर, आठ। आठ में से चार फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिए, तो कितने बचे, चार। चार का मतलब है दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर चार बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हुए, सिक्स। सिक्स जब भी कभी बनता है तो हम क्या बनाते हैं, अपना स्क्वायर बना देते हैं, ऊपर नीचे दो बॉन्ड लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जिसको हम लोग सिंपली बोलते थे ऑक्टाहेड्रल। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे एक्स सी एफ फोर देखो बनाते हैं, देखो तो ये ना, तो चार फ्लोरीन तो इधर लग जाएंगे, एक फ्लोरीन दो फ्लोरीन तीन फ्लोरीन चार फ्लोरीन। अब बचेगा क्या अपने पास में, सिर्फ और सिर्फ दो लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ऊपर लगा देंगे, एक लोन पेयर नीचे लगा देंगे। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर रह जाएगा वो कैसे रह जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि देखो ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। लिख देते हैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं देखो एक्स ई एफ सिक्स की। अब यहाँ पे देखो टोटल आठ इलेक्ट्रॉन है, छः तो बॉन्ड बना लिए, एक बचेगा लोन पेयर, तो छः बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, टोटल कितने हुए, सात। अब देखो सात के किस में क्या करते हैं हम लोग, सात की इसमें जनरली क्या होता है कि सात की जगह हम लोग इसी में देखो उसको फिट करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अभी तक हमने कोई भी ऐसा केस नहीं देखा है जहाँ पे हम इतने सारे बॉन्ड बना रहे हो, मोस्टली छः तक बॉन्ड आके रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो एक काम करते हैं पहले पूरा ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, जैसे ये बनाया है तो ज़ीनॉन लिया, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः तो ये हो गए, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन तीसरा फ्लोरीन चौथा फ्लोरीन पांचवा फ्लोरीन छठा फ्लोरीन, ठीक। तो एक्स सी एफ सिक्स बन गया आराम से। अब एक लोन पेयर बचा, तो लोन पेयर को कहीं भी बीच में घुसा दो, ठीक है। तो बाकी का ये कैसा रहेगा, ये तो देखो ऑक्टाहेड्रल के जैसा रहेगा, ठीक है, जैसा ऑक्टाहेड्रल होता है स्क्वायर, बाकी सबसे ऊपर और नीचे सबसे वो करके बन जाएगा, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड के जैसा। और क्योंकि अब ये लोन पेयर आ गया बीच में, लोन पेयर को थोड़ा अलग से बना देते हैं अलग रंग से, क्योंकि अब ये लोन पेयर आ गया बीच में तो ये ऑक्टाहेड्रल नहीं बच पाएगा। लोन पेयर क्या करेगा, सारे बॉन्ड पेयर पे कुछ ना कुछ रिपल्जन लगाएगा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया वाला, ठीक है। और उसके बाद में अभी ऑक्टाहेड्रल ना होकर कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो बस यही इसकी शेप थी, सिंपल सा है, इसको बना लेना एग्जाम में, यही आएगा चैप्टर से और कुछ ज्यादा इतना आएगा नहीं, ठीक है गाइस। तो देखो उसको अब मैं इरेज करता हूँ, बुक में आपके ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है सिंपल सा। अब आ जाते हैं हम लोग ज़ीनॉन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स में, फाइनली हमारा चैप्टर होगा खत्म। तो इसको जल्दी से हटाते हैं और बाकी ज़ीनॉन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स पे आते हैं, उसमें भी कुछ तीन चार रिएक्शन है और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसको सबको कर देते हैं इरेज। तो बात करते हैं ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की, ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये आपको बनेंगे जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे ज़ीनॉन फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स की, मतलब इसकी देखो एक्स सी एफ सिक्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे और एक्स सी एफ फोर का हाइड्रोलिसिस करेंगे। एक्स सी एफ सिक्स का हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल सा बनेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ आपका एक्स सी ओ थ्री बनेगा और एच एफ बनेगा, बाकी रिएक्शन हम कर लेंगे बैलेंस। तो देखो ज़ीनॉन का नंबर बराबर है एच एफ, तो यहाँ पे हमें सिक्स लगाना पड़ेगा, सिक्स लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे हमें थ्री लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन कितने हुए तीन, और ये सब हो गया बराबर। जब एक्स सी एफ फोर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना बैलेंसिंग कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको ऐसे एक सिंपल वे में करने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। तो दूसरे पेन से लिख देते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जैसे अपने एक्स सी एफ टू के साथ में किया था
वैसे ही हमें करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास में ज़ीनॉन बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में HF बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में जो है XeO3 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन बनेगा। तो हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें बनेंगी यहाँ पे। तो इसका जो है ना बैलेंसिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब बहुत देर में समझ में आएगा। तो एक काम करो, उसमें 6 और 12 याद रखो, कि 6 और 12 आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 4 6 24 और 12 2 24। तो मतलब बेसिकली HF जो हम बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन सिर्फ यहाँ पे ही है और यहाँ पे अलग अलग है। तो बेसिकली हाइड्रोजन और फ्लोरीन का नंबर आपको सेव करना है। आपने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 6 से कर दी, और भी केसेस में कर सकते थे, बट उसमें क्या हुआ बाकी सब सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो आप देखो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो जो HF बनेगा वो कितना बन जाएगा अपना 12, क्योंकि फ्लोरीन सॉरी 24, क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास में 24 हो रहे हैं। तो 24 HF बन गया हमारे पास में। अब इसके अलावा देखो तो HF कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लोग के पास में कितनी है, ज़ीनॉन इधर है इधर है, तो ऑक्सीजन टोटल है 12। अब 12 को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं 3 इधर कर देते हैं, तो 3 2 6 तो इधर हो गई, 2 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो 6 और 6 12 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब ज़ीनॉन को देख लेते हैं, 2 ज़ीनॉन इधर आ गई, बची कितनी 4, तो 4 मैंने इधर लगा दिया। तो ये जो है हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा एक नया ऑक्सीजन और ज़ीनॉन का कंपाउंड बना, जिसको हमने बोल दिया XeO3। इसके अलावा अगर हाइड्रोलिसिस हमारी पार्शियल होती है, मतलब कि जो वाटर से ब्रेक हो रहा है वो कंप्लीट ब्रेकेज नहीं हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो क्या बनेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर देखो कि देखो दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ हम लोग XeF6 के केस में दिखाएंगे, XeF6 प्लस वाटर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दो रिएक्शन करके दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि दोनों में जो है ज़ीनॉन ऑक्सीजन के अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। देखो पहले में क्या बनेगा, इसमें बनेगा देखो XeOF4 और इसमें बनेगा XeO2F2 प्लस इधर भी HF और इधर भी HF, बाकी देखो रिएक्शन को कर लेंगे हम लोग बैलेंस। तो ठीक है देख लेते हैं, यहाँ पे देखो फ्लोरीन 6 है, तो 4 तो उधर चले गए, 2 उधर लगा दिया, 6 फ्लोरीन बराबर हो गए, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है। इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लोरीन कितने 3 बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास में 6 है। तो हम एक काम करते हैं, 2 तो ये है हमारे पास में, 4 ये बना देते हैं, तो 6 फ्लोरीन बराबर हो जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2H2O लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी देखो बराबर हो गए और ज़ीनॉन भी अपने बराबर है। तो ये जो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे आपके ये दोनों और बन जाएंगे। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर की हमें इतनी कोई बात नहीं करनी है, मेन जो स्ट्रक्चर हमें देखना है वो देखना है XeO3 का। तो ये भी बहुत सिंपल सा रहेगा, XeO3 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ज़ीनॉन ये रहा बीच में, अब आपको पता है फिर से 8 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे, डबल डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए, बचे कितने, एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ 4। 4 में जब भी कभी आता है तो अपना क्या बनता है, टेट्राहेड्रल की जैसा केस आता है, पर टेट्राहेड्रल की केस में क्या होगा कि ऊपर का पार्ट तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा, बाकी ऑक्सीजन इधर इधर इधर। तो जैसे कि अमोनिया NH3 में केस होता है, एक लोन पेयर रहता है, 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं, और जो टेट्राहेड्रल से ये कैसा बन जाता है, पिरामिडल। तो इसका भी शेप कैसा रहेगा, पिरामिडल, ठीक है। अमोनिया का केस अगर आपको याद हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 बॉन्ड ओवरऑल आ रहे हैं, लोन पेयर को भी बॉन्ड पेयर की जैसा ट्रीट करते हैं, तो 4 आ रहे हैं, तो अपना बनेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन क्योंकि एक लोन पेयर है तो वो पिरामिडल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तो देखो यही सब था इसमें, इतना ज़्यादा और कुछ है नहीं। यूजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हीलियम के बहुत सारे, आर्गन जो है आप एक तरह से हम लोग बोलेंगे इनर्ट एनवायरनमेंट करने के लिए यूज़ होता है, अपने ये जो बल्ब रहते हैं फ्लोरोसेंट बल्ब, इनके अंदर आ जाता है, तो वो इतना कुछ नहीं आएगा, वो आप लोग फिर से बुक से देख लेना। अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि जो इसकी आप जैसे आप देख रहे हो XeF6 देख रहे हो, उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। देखो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। अब हमें देखना है कि देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे बताओ जरा, फ्लोरीन है क्योंकि ज़ीनॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक तरह से यहाँ पे ज़ीनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहेगा, ठीक। अब जो नया कंपाउंड बनाए, यहाँ पे भी देखो क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन 4 है तो -4, तो यहाँ पे भी फिर से क्या रहेगा, +6 ही रहेगा। मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही नहीं हुआ, तो एक तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। सेम यहाँ पे भी होगा, इधर भी देखो लगाएंगे 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, तो फिर से ज़ीनॉन पे चार्ज कितना निकल के आएगा, +6। तो ये जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन हो रही है, इवन अगर आप इस केस में भी देखोगे ऊपर, तो भी यहाँ पे कोई भी ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है,
मतलब रिडॉक्सेशन नहीं ना होने का एक ये भी हो सकता है कि बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में ही ये रिएक्शन होगी। रिडॉक्सेशन का जनरली क्या होता है कि एक ऑक्सीडाइज हो गया, एक रिड्यूस हो गया, तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, सॉल्यूशन भी वहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे मैंने आपको उसका ऐसे बता दिया। सो गाइस फाइनली यार हमारा ये जो है पी ब्लॉक खत्म हो गया है। मतलब जैसे गंगा नहाने वाली बात होती है ना, वो हो गई है यार। तो फाइनली 11 वीडियोस में आके ये चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज जो भी मैंने पढ़ाया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे DNF ब्लॉक एलिमेंट। तो यार बस वो और खत्म हो जाए तो फिर क्या मजा ही आ जाए। तो जल्दी से कोशिश करेंगे DNF ब्लॉक बनाने का। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। I'll see you guys in my next video. Till then, take care.